हजारों साल पहले रोमन साम्राज्य में खेल के नाम पर खूनी लड़ाइयां होती थी। इनमें हिस्सा लेने वाले योद्धाओं को ग्लैडिएटर्स कहा जाता था। इनकी रोमांचक कहानियों पर हॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में और टीवी सीरियल बने हैं। इसके बावजूद ग्लैडिएटर्स से जुड़े कई ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा रोमन एम्पायर के इन बेहद ताकतवर और साहसी योद्धा खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है अनसुलझे रहस्य। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं ग्लैडिएटर से जुड़ी अनसुनी बातों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। पहला, हर लड़ाई में हारने वाले की मौत नहीं होती थी। ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयों के बारे में आम धारणा है कि इनमें जब लड़ते लड़ते एक ग्लैडिएटर मारा जाता तभी दूसरे को विजेता घोषित किया जाता था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। दरअसल उस जमाने में ग्लैडिएटर्स की ट्रेनिंग और उनकी डाइट पर बहुत खर्चा किया जाता था। अगर एक ही लड़ाई में वो मर जाता तो मालिक को बहुत नुकसान हो सकता था। दूसरा, फिल्मों में जानवरों खासकर शेर के साथ ग्लैडिएटर की लड़ाई बड़े जोर शोर से दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में जानवर और इंसान की लड़ाई कभी कभार ही होती थी। तीसरा, बहुत सारे ग्लैडिएटर्स गुलाम होते थे। कई बार जब वे मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करते तो मालिक खुश होकर उन्हें लड़की की तलवार इनाम में देते थे। ये तलवार सोर्ड ऑफ फ्रीडम कहलाती थी। आजाद होने की इच्छा से भी ग्लैडिएटर्स पूरा दम लगाकर लड़ते थे। चौथा, मुकाबले से पहले हर ग्लैडिएटर शपथ लेता था। इसमें मुख्यतः हर परिस्थिति में सहन करने और टिके रहने की बात होती थी। बहुत सारे ग्लैडिएटर्स हार जाने पर आत्महत्या भी कर लेते थे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए मैदान में सैनिक तैनात होते थे। पांचवा, शुरुआत में ग्लैडिएटर्स या तो गुलाम होते थे या फिर अपने अपराध की सजा पा रहे कैदी। फिर पहली शताब्दी से इनमें पूर्व सैनिक और कभी कभी शासक वर्ग के लोग भी कूदने लगे। वे जीतने पर मिलने वाले धन या मौज मजे के लिए ऐसा करते थे। छठा, प्राचीन रोम में जब किसी अमीर और खास आदमी की मौत हो जाती थी तब उसकी कब्र के पास ग्लैडिएटर्स को लड़ाने की परंपरा थी। माना जाता था कि इस लड़ाई में जो खून गिरेगा वो मृत व्यक्ति की आत्मा का शुद्धिकरण करेगा। जूलियस सीजर के समय ये परंपरा बहुत बढ़ गई थी। सीजर ने अपने और बेटी की मौत पर सैकड़ों ग्लैडिएटर्स को लड़वाया था। सातवा, ग्लैडिएटर्स की कई श्रेणियां होती हैं। उन्हें कितनी ट्रेनिंग मिली है, उनका अनुभव कितना है, इस आधार पर प्रतिद्वंदी तय किए जाते थे। इसके अलावा भी अलग अलग क्लास के ग्लैडिएटर्स हुआ करते थे। कुछ तलवारों से लड़ते तो कुछ घोड़ों पर बैठकर मुकाबले में उतरते थे। एक खास तरह के ग्लैडिएटर्स सिर्फ जाल लेकर मैदान में आते थे और प्रतिद्वंदी को उसमें फंसाने की कोशिश करते थे। आठवा, ग्लैडिएटर्स सिर्फ एरेना या स्टेडियम में ही नहीं लड़ते बल्कि वे जल युद्ध भी करते थे। इसके लिए बकायदा बड़े तालाब बनाए जाते जिनमें बड़े बड़े जहाज होते थे। इनमें हजारों की संख्या में योद्धा और कैदी मरते दम तक लड़ते थे। नौवा, रोमन साम्राज्य में ये खूनी लड़ाइयां बहुत पॉपुलर थी। ऐसी फाइट देखने के लिए पब्लिक टूट पड़ती थी। उस दौर में रोम में 164 एरेना थे जहां ग्लैडिएटर्स के बीच मुकाबले होते थे। प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है कि ऐसे ही एक मुकाबले में एरेना लोगों के बोझ से ढह गया था। दसवा, जैसे आज के जमाने में खिलाड़ियों की डाइट पर बहुत ध्यान दिया जाता है, वैसे ही रोमन ग्लैडिएटर्स को भी ट्रीट किया जाता था। उन्हें उनके खान पान पर नजर रखने के लिए आहार और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होते थे। उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स की फौज होती थी। ग्यारहवा, ग्लैडिएटर्स में महिलाएं भी होती थी। कई बार परंपरा एम्परर भी योद्धा के रूप में मैदान में उतरते थे। उस जमाने में ग्लैडिएटर्स को सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त था। अमीर वर्ग उन्हें लड़वाता था और उन पर दांव लगाता था, परंतु सामान्य लोगों की नजरों में उनका दर्जा बहुत ऊंचा होता था। तो दोस्तों, ये थी ग्लैडिएटर से जुड़ी कुछ अनसुनी और रोचक बातें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और भी ऐसे अनोखे तथ्यों के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ अनसुलझे रहस्य में।